अज सतन सत सनातन धर्म हिंदू धर्म का बहुत ही वड्डा त्यौहार है जिन्हों महाशिवरात्रि के नाम जाने जाता है। वैसे तो साल के 12 शिवरात्रियां आउंदियां हर कृष्ण पक्ष की त्रिशोधी जिन्होंने 13 का नेर पक्ष से 13 तिथि बोलते हैं उस दिन शिवरात्रि मनाई जाती है। पर जी फागुन के महाशिवरात्रि आती है ये बहुत ही वड्डा त्यौहार है। इस त्यौहार दियां तैयारियां संगत कई दिनों तो ही शुरू कर दें दी है। आज सुबह 4 बजे तो ही भगत जन मंदिर के आ रहे हैं। लगातार ओम नमः शिवाय का पाठ ते हवन यज्ञ चल रहा, नाल ही रुद्री अभिषेक हो रहे हैं। इस महाशिवरात्रि के नाल जिहड़े शिव भक्त पूजा करते हैं या कोई व्रत रखते हैं उन्होंने किस तरह की मनोकामना पूरी होती है तो की इस जिहड़ी शिवरात्रि का मंतव है? महाशिवरात्रि का महत्व मैं पहले भी दस्या सनातन धर्म के बहुत ही विशेष स्थान दिता जाता है। इस दिन जो भी आदमी जो भी सज्जन भगत जन आ के मंदिर के शिव भोलेनाथ को प्रार्थना करते हैं, कोई रुद्री अभिषेक करवाउंदा है, कोई ओम नमः शिवाय का पाठ करवाउंदा है, चाह चार पैर की पूजा करते हैं, चार पैर का जल चढ़ाते हैं, हवन यज्ञ करवाते हैं, तो उन्होंने सर्व मनोकामना पूर्ण होती है। और सब तो वड्डी गल इस यह है कि ये पाठ महामृत्युंजय का पाठ है जिहड़ा जां जिहनूं काल सर्प योग कहा जाता, अगर इस दिन इहदा पाठ हो जाए तो हर तरह का शरीरक रोग कट्टिया जाता जी। पंडित जी अज महाशिवरात्रि है, क्या महत्व है शिव भक्तों के लिए और हिंदू धर्म में? इसका हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व है, ये सबसे बड़ा पर्व मनाया जाता है हिंदू सनातन धर्म में। ये आज के जो है क्या 12 शिवरात्रि होती हैं साल में, हर कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को शिवरात्रि बोलते हैं। आज के दिन का चार पहर की पूजा होती है, चार पहर की पूजा करने में मनवांछित शिव जी वरदान देते हैं, जो भी मनोकामना हो वो सब पूर्ण होती है। कहते हैं गीत हमारे जो शिव पुराण में भी लिखा हुआ है कि मृत्युंजय महादेवाय त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर बंधनाय। आज के दिन इस मंत्र का जाप करने से का मतलब होता है कि हे प्रभु मैं जन्म से अभी तक जो बहुत पीड़ित हूँ जो है और मेरा जो है कष्ट दूर करो। इसलिए आज के जो है ये जो फागुन की महाशिवरात्रि मनाई जाती है इसमें क्या है कि हर जो फल है अन्न है ये नए नए उग रहे हैं, हरियाली उग रही है, जैसे कि इसमें बेरी नए फल चढ़े हैं और जैसे आम के फूल हैं वो चढ़ाए जाते हैं शंकर जी को प्रति वो है, और बेलपत्र शंकर जी को अति प्रिय है क्योंकि शिव जी पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए बेलपत्र लता बेलपात्र खाती थी तपस्या, इसलिए शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी मनवांछित वरदान देते हैं। और इनकी चार पहर की कथे भी होती है। भक्त सच की खबर ले लाइक दे सब्सक्राइब करो पंजाब द नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट न्यूज़।